नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग संतोष जी का, जो इन्वेस्टर्स ने मुझे ये पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए भेजा है, उनका नाम है संतोष जी। तो संतोष जी का पोर्टफोलियो हम लोग आज रिव्यू करेंगे। उन्होंने टोटल 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और इनका जो टोटल इन्वेस्ट अमाउंट है 3,37,000 का है, ठीक है, लगभग। और इसका करेंट जो अभी उसको प्रॉफिट मिला है वो 76,000 के ऊपर उसको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3,37,731 इन्वेस्टेड किया है उन्होंने और उनको 4,14,314 रुपीज़ का यहाँ पे अभी उसका टोटल प्राइस बन गया है, इंक्लूडिंग ये इसका प्रॉफिट अमाउंट 76,583। तो चलते इसका पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक से इन्होंने ख़रीदा है ATGL, ठीक है, अदानी टोटल गैस लिमिटेड का, उन्होंने 652 रुपीज़ में ख़रीदा था। जो अभी स्टॉक्स का जो अभी प्राइस चल रहा है 1637, तो बहुत ही बढ़िया उसको मुनाफा अभी देखने के लिए मिल रहा है। 150% का यहाँ पे उनको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कमाल का स्टॉक्स है, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक्स है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पे मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये स्टॉक्स भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्राइस में उन्होंने ख़रीदा है, उन्होंने 1642 रुपीज़ में ख़रीदा है, जिसका अभी करेंट प्राइस चल रहा है 2,220 रुपीज़। तो यहाँ पे इनको 35% से भी ज़्यादा यहाँ पे इनका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी आप लोग लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। बार्जर पेंट, पेन इंडस्ट्री, एशियन पेंट से जो सेकेंड नंबर पर आता है बार्जर पेंट, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म पोजिशन आप होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है आपका सिप्ला, यह है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसका जो एवरेज प्राइस है 760 रुपीज़ उन्होंने ख़रीदा था और अभी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 946। तो यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है, इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म। बट सिप्ला को छोड़ के भी और भी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट सिप्ला इज़ नॉट द मार्केट लीडर, बट इज़ ओके, इज़ अ गुड स्टॉक, फंडामेंटली गुड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक्स है दीपक एनटीआर, केमिकल स्पेशलिटी का स्टॉक्स है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। इनको अभी 62% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इस स्टॉक्स को भी आप होल्ड करके रख सकते हो। ACL टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे दाम में उसको मिला है संतोष जी को 804 रुपीज़ में। तो इन स्टॉक्स को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। HDFC अभी तक तो कोई ख़राब स्टॉक्स ऐसे देखने के लिए नहीं मिला आपके पोर्टफोलियो में, बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स है, बैंकिंग का स्टॉक्स है, केमिकल का स्टॉक्स है, ऑटोमोटिव सेक्टर का स्टॉक्स है, पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक्स है, मेडिसिन का स्टॉक्स है, कमाल का पोर्टफोलियो है संतोष जी, बहुत बढ़िया आपने चूज़ किया है। HDFC बैंक में इन्होंने HDFC में उन्होंने निवेश किया है 2,106 रुपीज़ पर, वो अभी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में है, 24% से भी ज़्यादा प्रॉफिट में है, 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट इनको अभी HDFC में मिल रहा है। HDFC एसेट मैनेजमेंट का जो स्टॉक्स है, यहाँ पर भी उन्होंने 25% से ज़्यादा मुनाफा कमाया है अभी तक, तो ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, यहाँ पर कोई ख़राब स्टॉक्स देखने के लिए नहीं है इस पेज में। नेक्स्ट आता है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप बने रह सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स इंडिया मार्ट में मुझे थोड़ा आपको कुछ बोलना है। तो मुझे पता है इंडिया मार्ट बहुत जन का बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स में से है, बट ये स्टॉक्स का भी जो वैल्यू चल रहा है संतोष जी, आपने 7,515 रुपीज़ में स्टॉक्स को ख़रीदा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में है, ठीक है। इसका इतना प्राइस पता नहीं, अभी जो गिरेगा स्टॉक मार्केट जब क्रैश होगा इंडिया मार्ट, लेकिन गिर सकता है, ये 4,000 लेवल पर भी आ सकता है। तो ये मेरा खुद के एनालिसिस का है पार्ट, बाकी का मैं नहीं बता सकता हूँ। तो जब भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाए स्टॉक से, इंडिया मार्ट से, तो इस इंडिया मार्ट से आप थोड़ा निकल के बाकी और भी ज़्यादा अच्छा, इससे सस्ता बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक्स है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। इंडिया मार्ट में मुझे लॉन्ग टर्म में इतना प्राइस स्टॉक्स का, कंपनी अच्छा है नो डाउट, बिजनेस अच्छा है, बट
इतना कॉस्टली अभी नहीं होना था, प्राइस का ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में अब मुझे दिख रहा है, इसका प्राइस ओवरवेट हो गया है। ठीक है, तो इससे आप जैसे आपको थोड़ा मुनाफा मिल जाता है, अब इंडिया मार्ट से आप बाहर आने के लिए आप सोच सकते हो। हालांकि आपके पास सिर्फ दो ही क्वांटिटी का स्टॉक्स है, बट स्टिल आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स इन टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स है, और एक इन्फोसिस, ACL को छोड़ के भी इन्होंने इन्फोसिस भी रखा है, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, सवाल ही नहीं है बेचने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आप होल्ड करके रखिए। फाइनेंशियल कंपनी मन्नापुरम गोल्ड, मन्नापुरम जो लेता है गोल्ड लेके जो लोन देता है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी, इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी इसका प्राइस करेंट प्राइस 162 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो आपने 154 में ख़रीदारी किया है तो ठीक है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। मैरिको FMCG कंपनी में से अच्छा आपका चॉइस है, मैरिको को छोड़ के आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी आप चूज़ कर सकते हो, वो भी एक बहुत ग्रोइंग FMCG का कंपनी है। टाटा संपन्न का एक ब्रांड होता है, उसमें काफ़ी सारा FMCG का प्रोडक्ट टाटा टी से लेके शुरू होके सॉल्ट शुगर सब कुछ बेचता है, स्पाइसेस, तो मैरिको अच्छा चॉइस है। टाटा का जो प्रोडक्ट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसको भी आप चुन सकते हो। ठीक है, मैं HUL नेस्ले ये सारा बड़ा बड़ा कंपनी को मैं नहीं चूज़ करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक्स है Naukri.com, अगेन इट्स इंटरनेट बेस्ड कंपनी, जॉब पोर्टल साइट, इन्होंने छोटा छोटा जो स्टार्टअप कंपनी है इसमें इन्वेस्ट करता रहता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे इसका बिजनेस पोटेंशियल ग्रोथ नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी लिंक्डइन आपको पता है, लिंक्डइन जो जॉब पोर्टल है इससे इस जो पहले Naukri.com इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा था, बट जब से लिंक्डइन आ गया है तो इसका मार्केट में बहुत लॉस है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो पोर्शन है वो बहुत कम हो चुका है। तो नौकरी को छोड़ के आप दूसरा कंपनी इस प्राइस में आपको बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक्स मिल जाएगा, आपका जो बाइंग प्राइस है 4403 रुपीज़, और आपका जो अभी प्रॉफिट है 7725 का रुपीज़ का प्रॉफिट है, बट Naukri.com को छोड़ के आप दूसरा स्टॉक्स जैसे अदानी इंटरप्राइज आप ले सकते हो। ठीक है, 4400 में आपको तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स और भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं आपके पास कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक्स आपके पास है HDFC का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। HDFC बैंक लीडिंग बैंक सेक्टर को आप चुने हो, बहुत ही बढ़िया है, 15 क्वांटिटी है, आप इसको बढ़ा सकते हो आहिस्ता आहिस्ता। HDFC लाइफ अगेन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का आप लीडिंग स्टॉक्स को लेकर रखे हो, ये लीडर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, बहुत ही बढ़िया आपका चॉइस है संतोष जी, बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। हिंदुस्तान लीवर आपने खरीद के रखे हो, 13 क्वांटिटी का है, आपने 2100 में लिए हो, आपका अभी 2750 रुपीस का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है, बट इस स्टॉक्स जैसे 2500 लेवल में आता है तो आप वहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप दूसरा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो FMCG प्रोडक्ट है, ITC या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, अभी ये बढ़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म फॉर श्योर, बट इतना तेज से भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी जितना प्राइस बढ़ना था ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, ICICI बैंक भी बहुत ही बढ़िया बैंकिंग सेक्टर में से एक स्टॉक्स है, तो आपने ऑलरेडी 15 क्वांटिटी है, इसको बढ़ा सकते हैं आप, ज़्यादा क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं जब ये नीचे आएगा तब। ठीक है, जब ये 450 रेंज में आएगा तब इसको आप बाई कर सकते हैं। तो IGL ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद है नौकरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री में ये लीडिंग कंपनी में से एक है, बाटा और रिलैक्सो का ही नाम आता है। तो देखिए, मैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री है अभी भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो फ्यूचर में इसका काफ़ी अच्छा चांसेस है फुटवेयर इंडस्ट्रीज को और भी ग्रो होने का, तो आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, 2006 रुपीज़ में हमने ख़रीदा है, 2190 रुपीज़ अभी चल रहा है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। SBI कार्ड अगेन जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया आपका चूज़ है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टेड कर सकते हो। ठीक है, सुसलॉन के बारे में मैं बताऊँगा आपको, सुसलॉन
से जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकल के आइए। सुशला ने मतलब बकवास कंपनी में से एक है, उसका जो बिजनेस जो उसका मॉडल है जो सोलर पावर सिस्टम, उसमें बिजनेस कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो 10 साल में से कंपनी का स्टॉक्स ऐसे ही मूव होते जा रहा है बहुत स्लोली, उसमें कुछ फ्यूचर नज़र मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सुशलन को छोड़ के आप अदानी एनर्जी सेक्टर में से आप निवेश कर सकते हैं। अदानी आपका अगर सुशलन में इन्वेस्ट करना है ऐसा कोई सोलर कंपनी में, तो टाटा पावर है हो गया, फिर आपका एनर्जी सेक्शन में आपका काफ़ी सारा स्टॉक्स है। अदानी एनर्जी सेक्शन सेक्टर में से अदानी एनर्जी का स्टॉक्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सुशलन को प्लीज़ आप इसको बाहर निकालिए अपने आपके पोर्टफोलियो में से। सेम विकास लाइफ के लिए भी, विकास लाइफ उन्होंने पॉलीमर इंडस्ट्री का केमिकल का ट्रेडिंग करता है, बट इसमें हालांकि जो स्टॉक्स 18 रुपीज़ तक गया था, ठीक है, 52 वीक्स में, बट मैं बोलूँगा कि काफ़ी रिस्क वाला स्टॉक्स है। संतोष जी, विकास लाइफ पेनी स्टॉक्स देखे शायद आपने चूज़ किया है, बट सुशलन और विकास लाइफ को छोड़ के आपका जो भी स्टॉक्स है मुझे काफ़ी पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट विकास लाइफ और सुशलन को आप थोड़ा देख सकते हो बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये दोनों स्टॉक्स खास नहीं है, अच्छा नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। विप्रो स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आईटी सेक्टर में से आपने बहुत सही चूज के रखा है, तो विप्रो में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, आपका जो अभी 37 क्वांटिटी है इसको आप बढ़ा सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, पूरा हम लोगों को रिव्यू करना था, तो ये बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो हम लोग रिव्यू किया संतोष जी का, एक्सेप्ट दो स्टॉक्स। तो ऐसा अगर आपका स्टॉक्स को रिव्यू करना आप चाहते हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, और मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।